हमारे साथ हैं दीपक सैनी इंटरनेट की दुनिया के नए नए सेंसेशन हैं ये अपनी मिमिक्री के लिए बहुत मशहूर हैं और राकेश टिकैत की मिमिक्री करने के कारण ये पिछली बार वायरल हुए थे प्लीज आ जाइए हेलो मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई उसके लिए शुक्रिया ये जोरदार थी इससे तो पहले वाली ठीक थी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था लल्लन टॉप पूरे भारत में पूरे विश्व में देखा जाता है बहुत सारी पार्टियों के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सबको प्रणाम करता हूँ दरअसल क्या है कि मुझे बुलाया इसलिए जाते कि मैं नेताओं की मिमिक्री करूँ आपके बीच में करूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं प्रॉब्लम होगी भी तो मैं करूँगा मुझे क्या है मैं तो करता ही हूँ दरअसल क्या है कि आजकल सबसे ज़्यादा टेंशन देश में किसी ने दी हुई है तो वो नेताओं ने दी हुई है देश में सबसे ज़्यादा टेंशन सर पॉलिटिशियंस ने दी हुई है अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ आजकल और मेरा टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारे दिल्ली वालों को टेंशन क्या बिगाड़ेगा हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है हाँ उनका पांच साल से एक ही काम है भाई साहब मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है हमारे केजरीवाल जी का पांच साल से एक ही काम है सुबह सुबह उठो नहा के जाके शीशे के सामने जाके डेली एक डायलॉग एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको एक बार दिल्ली पुलिस दे दो उसको ठीक कर दूंगा बिल्कुल ठीक मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है थैंक यू। एक बार दे दो बस अच्छा देखो अभी कोरोना चल रहा है तो हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत की साइंटिस्ट ने मेहनत की वैक्सीन बनाई बीमारियां दूर होती हैं ऐसे वैक्सीन बनाने से केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया पता है कैसे किया पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए उसमें लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है नीचे उनका फोटो वो डेंगू अपने आप ही खत्म हो गया आइए क्योंकि मुझे ज्यादा समय भी नहीं लेना है तो मैं देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की जिनकी मैं मिमिक्री करता हूं वो मैं आपके बीच में करूंगा और आपको लगे कि वो सभी नेता आपके इस दर लल्लन टॉप के मंच पर आ गए तो मुझे आप सबकी तालियां ऐसी चाहिए जैसे आगरा वाले बजाते हैं तालियां आगरा वाले स्टाइल में मुझे चाहिए बड़े बड़े नेताओं को आपके बीच में पेश करूंगा और पिछले लगभग दो या तीन दिन के अंदर जो राकेश टिकैत जी की मैंने मिमिक्री की है वो वीडियो इतना वायरल हुआ है पूरे देश के अंदर देश के बाहर भी वो भी मैं आपको करूंगा एक नेता है लालू यादव आप सब जानते हैं सबकी सब सब नेताओं की मीमिक्री करूंगा सर सबसे ईमानदार आदमी कोई है तो लालू यादव है हमारे पूरे देश में उनसे ज्यादा ईमानदार नेता पैदा नहीं हुआ देश में देखो जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे लालू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का वो जैसी भाषण देने आए एक बार भाषण दे रहे थे सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे आगरा के लालू जी ने एक घंटे भाषण दिया लड़के ने एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया लालू जी जैसी माइक पे आए तब नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा कब अच्छा दिन आएगा अरे कब नीचे से एक लड़का उठा बोला जी नौवीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोग एक नेता है सर नवजोत सिंह सिद्धू मैं लाफ्टर चैलेंज थ्री में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता तो सिद्धू जी को हंसना होता था पर वो हमसे पहले ही भाषण देना शुरू कर देते थे और आपको पता है एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है एक नया लड़का आया उसने जैसी माइक रखा गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा माई डियर फ्रेंड तुझ में वो कला है आ, नाले पर्वत झरने गागर सागर बंदा डर गया बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया लेकिन भाई साहब एक नेता ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके जिनका भाषण तीन पीढ़ियां समझ नहीं पाई तीन जनरेशन बीत गई ये नेता बोल क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया पिताजी को समझ में नहीं आया दादाजी भी बिना समझे ही चले गए मुलायम सिंह यादव अभी उनके जन्मदिन पे मुझे बुलाया गया था सहफ ही गया था मैं मुलायम सिंह जी का भाषण भाई साहब किसी को समझ में नहीं आता अच्छा किसी को तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आता अखिलेश जी से पूछा किसी ने आपके पिताजी ने क्या कहा उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा क्या कहा ये नहीं पता अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया

हमारे बेटा हे उत्तर प्रदेश की चली हुई लहरू जो पहनी है हमारे डैडी के मरवा दी पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा दे ये क्या अपना स्टाइल है एक दो आवाजें मैं ऐसे सुनाऊंगा जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के, के मुंह से सुनी हो एक आवाज है बहुत पॉपुलर आवाज है बहुत प्रसिद्ध नेता है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज़ उनका अपना स्टाइल है सर आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी का भाषण सब लोग सुनते हैं मेरे बहुत पसंदीदा नेता है आपको लगे कि वो दलन टॉप के इस मंच पर आगरा में आ गए हो तो मुझे सबकी तालियां उनके लिए चाहिए जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान से अब चाइना पर पाकिस्तान से कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी बात यद होगी तो पीओके पर होगी कश्मीर पर भाषण सुनते हैं जो पसंद करता है वो भी सुनता है जो नहीं करता है वो दो बार सुनता है सर मोदी जी मेरे सपने में आ गए थे भी पिछले दिनों मैंने मोदी जी से देश की बड़ी गंभीर समस्या पे बात की पिछले दिनों आपको पता होगा कि सबकी चोटियां काट के ले गया था कोई पता है ना आपको आज तक नहीं पता आगरा में भी कटी थी भाई साहब ये नहीं पता आज तक किसने काटी दिल्ली में यूपी में राजस्थान पंजाब हरियाणा में बड़ी समस्या थी कि सब कुछ महिलाओं को चोटियां काट के ले जाता था कोई आज तक नहीं पता मोदी जी मेरे सपने में आए पीछे पीछे केजरीवाल जी आए मैंने दोनों लोगों से पूछा सब कुछ चोटियां कौन काट रहा है पहले मोदी जी ने भाषण दिया भाईओं बहनों मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा कोई चोटी काट कर ले जा रहा है और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं अगर काटना है तो गरीबी को काटिए काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आए आपको लगे वो पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ एग्जैक्ट यही बोलते तो एक भी हाथ खामोश ना रहे केजरीवाल जी से पूछा भाई से सबकी चोटियां कौन काट रहा है ये नरेंद्र मोदी कटवारा जी सबकी ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा इनके सारे मंत्री गंजे हैं मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे मनीष सिसोदिया खुद गंजा गंजा मत कह देना गंजा नहीं है मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है वो लोकपाल मांगते मांगते सरकार त्रिपाल उड़ गया और आपका बिल्कुल भी समय ज्यादा ना लेते हुए अंत में मैं वो आवाज आपको सुनाता हूँ जो पिछले तीन दिन से आपके मोबाइल पर फेसबुक व्हाट्सएप और हर जगह आ रही है राकेश टिकैत जी की आवाज और इसमें अच्छी बात यह है कि आज राकेश टिकैत जी ने खुद उस वीडियो को लाइक किया है मेरे ट्विटर पर जाकर उन्होंने ऑफिशियल पेज से खुद उस वीडियो को लाइक किया है राकेश टिकैत जी का अपना अंदाज सुना है बहुत है बहुत पॉपुलर आवाज मेरे सपने में आए थे पिछले दिनों भाई साहब मैंने उनसे पूछा हमारी टीम, टीम वर्ल्ड कप से हार गई आपको पता है हमारी टीम वर्ल्ड कप से हार गई मैंने कहा भाई साहब वर्ल्ड कप में हार गई टीम क्या करें आंदोलन होगा आंदोलन होगा हा पूरा होगा आंदोलन और ये करेंगे वहां करेंगे उसके बाहर घर के बाहर होगा उसके मैंने कहा किसके घर के ये होगा आईसीसी के घर के बाहर होगा ये जो आईसीसी है ना जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है ये वहां होगा आईसीसी का घर के बाहर होगा और मांग करेंगे मांग मांग रखेंगे मैंने कहा जी क्या मांग मांग रखेंगे जो दोनों मैच हारे हैं ये दोबारा ये दोनों मैच दोबारा होंगे बिना टोस के दोनों मैच दोबारा होंगे और रन रेट का कानून बनेगा रन रेट का कानून बनाओ रन रेट बढ़ गया रन रेट घट गया ये रन का रेट कौन लेता है ये किसको जाता है रन का रेट रन का रेट लगा रहे रन रेट ज्यादा बढ़ा दिया कम कर दिया रन रेट का कानून बनेगा और तीसरी बात अंपायर उंगली के आउट दे देता है बैट्समैन इशारा कर देता है अंपायर किसी से बात करता है वो नोट आउट दे देता है ये कौन है जिससे बात होती है बीच में किससे बात होती है ये कौन नोट आउट देता है कौन है बीच में किससे बात होती है उसकी जांच होगी उसकी जांच होनी चाहिए बीच में किससे बात होती है अब की बार पिछ पे बैठेंगे और गन्ने गड़ेंगे विकेट के बदले हमारे थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू